फोर्थ क्लास वेलकम इन आर पब्लिक ऑनलाइन क्लासेस आर टुडेज चैप्टर इज ऑफ फ्रॉम आर कैम्ब्रिज वर्कबुक। आज का जो हमारा चैप्टर है वो वर्कबुक का है। इससे पहले जो चैप्टर्स भेजे हैं मैंने वो ग्रामर का और टेक्स्ट बुक का है। अब इसमें भी सेम ही है चैप्टर जो आपके मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इसमें वही चैप्टर्स हैं जो आपके कैम्ब्रिज की टेक्स्ट बुक में है, लेकिन इनकी समरी और स्टोरी अलग है। प्लस इनमें जो वोकैबुलरी सेक्शन दिया हुआ है, ग्रामर सेक्शन है, वो बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। आज का जो लेसन है जस्ट अ पोएम है जिसमें आवाज़ यानी साउंड के बारे में बात की गई है कि कौन सा साउंड किस तरीके का हमें लगता है या लगना चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट लिसन। आई लाइक टू लिसन टू साउंड दैट आई नो, देयर ऑल अराउंड मी वेयर एवर आई गो। मुझे आवाज़ सुनना अच्छा लगता है, जहाँ तक मैं जाती हूँ ये आवाज़ मेरे साथ साथ आती है। सम साउंड्स आर सॉफ्ट एज अ पासिंग क्लाउड। कुछ आवाज़ें जैसे बादलों के गुजरने की बहुत सॉफ्ट होती हैं, अच्छी लगती हैं। बट अ जेट जैकिंग ऑफ ए साउंड दैट इज़ लाउड। लेकिन अगर कोई प्लेन हमारे ऊपर से जाता है तो उसकी आवाज़ हमें बहुत तेज़ लगती है। देयर आर लिटिल लिटिल साउंड आई लाइक टू हियर। कई छोटी सी आवाज़ें मुझे सुनाई देती है। द टिक ऑफ अ वॉच व्हेन इट्स वेयर नियर। जैसे कि घड़ी की आवाज़ जो हमारे पास होती है, एकदम टिक टॉक आती है। अ क्रैकलिंग फायर एंड अ पैटरिंग रेन। पटाखों के फूटने की आवाज़ या बारिश के बरसने की आवाज़। ऑन ट्री ब्रांचेस टैपिंग अ विंडो पैन। पेड़ों की टहनियाँ जब खिड़कियों से टकराती हैं तो उसकी आवाज़। देर आर अ डेंजर साउंड दैट वॉर्म मी वे, द पुलिस ऑफिसर विसल दैट आई ओबे। और सबसे खतरनाक साउंड मुझे लगता है जब ट्रैफिक पुलिस वाला मुझे रोकता है विसल बजाकर। अ साइरन्स बेल वार्निंग आउट द हॉन्किंग कार दैट सेज लुक आउट। सायरन जो बजता है वो किसी वार्निंग के लिए बजता है। द हॉन्किंग कार मतलब कार का जो हॉर्न है वो बजता है, तो वो दिखाने के लिए बजता है कि देखो कार आ रही है, रुको। देर आर अ ग्रेट बिग साउंड द मेक मी फील ग्रैंड। कई बड़ी आवाज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। द प्राउड रिच बीट ऑफ मार्चिंग बैंड। जैसे कि मार्चिंग बैंड की आवाज़, जब कोई बैंड मार्चिंग करता हुआ मार्च करता हुआ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। एंड ओशियन वेव्स क्रैशिंग ऑन रॉकी शोर्स। और समुद्र की जो लहरें हैं वो जब टकराती हैं किसी चट्टान से तो उसकी आवाज़। ऑफ ए थंडरस्टॉर्म व्हेन आई एम सेफ इंडोर्स। और तूफान की आवाज़, थंडरस्टॉर्म मतलब तूफानी बवंडर कह सकते हो, तूफान आता है आंधी की आवाज़, उसकी जो आवाज़ होती है वो भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन तब जब मैं घर में सेफ होती हूँ तब उसे सुनना अच्छा लगता है। सम साउंड्स कैन स्केयर मी। कुछ आवाज़ें मुझे डराती है, लाइक अ ग्लोइंग डॉग, जैसे कि कुत्ते का रोना। और अ सीरिंग कैट और अ ग्रंटिंग हॉग। कुछ आवाज़ें मुझे डराती हैं। इसमें ऐसी कुछ आवाज़ों की बात की गई है जो हमें डरावनी लगती है, जैसे कि कुत्ते की रोने की आवाज़ या बिल्ली की रोने की आवाज़ या कुत्ता गुर्राने की आवाज़। अदर साउंड आर सैड। कुछ आवाज़ें दुखदायक होती है, लाइक अ क्राई ऑफ अ पेन, जैसे दर्द में रोने की आवाज़। बट आई लिसन फॉर हैप्पी वंस एंड आई एम ग्लैड अगेन। लेकिन फिर मैं उन अच्छी आवाज़ों को याद करती हूँ और खुश हो जाती हूँ। तो इसमें साउंड के बारे में बात की गई है कि साउंड किस किस तरीके का होता है। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, इस बारे में बात भी नहीं की होगी, है ना, कभी हमारे दिमाग में भी नहीं आता। लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें पूरा साउंड के बारे में ही आया है। पोयम जो है पूरी साउंड के बारे में, जिसमें अलग अलग साउंड जैसे पेड़ से पेड़ की टहनियाँ खिड़कियों पर टकरा रही है, तूफान की आवाज़, समुद्र के लहरों की आवाज़, बैंड की आवाज़, कुत्ते के रोने की आवाज़। तो इसमें अलग अलग आवाज़ें हैं जिनसे हमें अलग अलग फीलिंग्स आती हैं। वो फीलिंग्स कैसी होती है उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। वो चाहे आवाज़ अच्छी हो, कुछ आवाज़ें अच्छी होती हैं, कुछ डरावनी होती है, कुछ दुख भरी होती है। अब दुख भरी आवाज़ कौन सी होती है? जब हम बहुत दुखी होते हैं वो आवाज़ सुनाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। लेकिन अगर सुनाई देती है तब जब कोई रोता है, तो किसी के रोने की आवाज़ हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, बहुत दुखदायक होती है वो आवाज़, होती है ना। तो इसी तरह से इसमें आवाज़ों की बात की गई। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। चलिए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। चूज द राइट ऑप्शन। विच साउंड डज द पोएट ओबे। कौन सा साउंड ओबे करने यानी आज्ञा का पालन करने की ओर इशारा करता है? अ पुलिस ऑफिसर्स विसल। व्हाई डज द पोएट थिंक द साउंड ऑफ अ थंडरस्टॉर्म इज ग्रैंड ओनली व्हेन इज इंडोर। पोएट ने ऐसा क्यों कहा है कि थंडरस्टॉर्म की जो आवाज़ है वो अच्छी लगती है, बहुत बड़ी होती है, लेकिन वो सेफ होता है तब। क्यों? बिकॉज ही इज़ एट पीस, ही इज़ नॉट एक्सपोज द डेंजर एट थंडरस्टॉर्म व्हेन ही इज इंडोर्स। ही इज़ लेजी, ही इज़ स्केयर्ड फ्रॉम थंडरस्टॉर्म। तो इसका ऑप्शन होगा बी, ही इज़ नॉट एक्सपोज टू द डेंजर ऑफ अ थंडरस्टॉर्म व्हेन ही इज इंडोर्स। उसे उसका डर नहीं लगता जब वो घर में सेफ होता है। नेक्स्ट, विच साउंड मेक पोएट हैप्पी।
कौन सी आवाज़ उसे अच्छी लगती है? पैटरिंग रेन, बारिश के बरसने की आवाज़, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन आया है, विच साउंड मेक द पोएट फील ग्रैंड, व्हाई डू दे नॉट स्केयर हिम, हाउ आर दीज टू फीलिंग्स डिफरेंट। अब इसमें दो आवाज़ों की बात की गई है, कौन सी आवाज़ उसको अच्छा फील करवाती है और कौन सी आवाज़ से वो नहीं डरता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हो, सेकेंड पैराग्राफ जो दिया गया है इसमें, देर आर ग्रेट बिग साउंड दैट मेक्स मी फील ग्रैंड, द प्राउड रिच बीट ऑफ अ मार्चिंग बैंड। ये है वो आवाज़ जो हमें अच्छा महसूस कराती है, प्राउड फील करवाती है और हमें अच्छाई महसूस होती है, इसको सुन के हमें अच्छाई की भावना आती है। तो दैट इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, देर आर द ग्रेट बिग साउंड दैट मेक मी फील ग्रैंड, द रिच बीट ऑफ अ मार्चिंग बैंड। ये है फर्स्ट का आंसर, देर से लेकर बैंड तक। उसके बाद में इसमें पूछा, हाउ आर दिस टू फीलिंग डिफरेंट। अब ये दोनों फीलिंग्स डिफरेंट कैसे हैं, कि मार्चिंग बैंड की आवाज़ और ओशन की आवाज़। तो इसी में नीचे सेकंड पैराग्राफ में सेकंड थर्ड लाइन देखिए, एंड ओशन वेव्स क्रैशिंग ऑन रॉकी शोर्स, अ थंडरस्टॉर्म व्हेन आई एम फील सेफ इनसाइड। ये पूरा पैराग्राफ आपको लिखना नहीं है, इसमें से फर्स्ट से लेकर सेकंड लाइन तक आएगा, लेकिन उसके बाद में आपको क्या लिखना है, उसके बाद में आपको वो पैराग्राफ जब खत्म हो जाएगा सेकंड लाइन तक, उसके बाद में आपको लिखना है, दीज टू फीलिंग्स आर डिफरेंट बिकॉज वन फीलिंग इज़ फॉर हैप्पीनेस एंड वन इज़ फॉर सेफनेस। ठीक है, एक फीलिंग अच्छाई के लिए और एक सुरक्षित रहने के लिए, बस दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, राइट द काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के लिए ए लिखना है और अनकाउंटेबल के लिए बी लिखना है। तो काउंटेबल नाउन कौन सी होती है जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल कौन सी होती है जिनको हम गिन नहीं सकते। तो काउंटेबल नाउन में आएगा देखिए, एप्पल्स, मनी, ब्रेड एंड यूनिफॉर्म्स एंड गार्डन्स। गार्डन्स को भी गिन सकते हैं अलग अलग, है ना, तो ये आ जाएंगे, और बसेस को भी गिन सकते हैं, ये आ जाएंगे काउंटेबल नाउन में। और बाकी शुगर, जैम, हेयर और मिल्क ये आएंगे अनकाउंटेबल नाउन में, बिकॉज इन्हें हम गिन नहीं सकते। चीनी का दानों को थोड़ी गिन सकते हैं, जैम को भी नहीं गिन सकते, बालों को भी नहीं गिन सकते और दूध को भी नहीं गिन सकते। तो शुगर, जैम, हेयर एंड मिल्क आर विल बिकम एन अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। थर्ड देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द नाउन लिस्ट वर्ड्स इन द प्रीवियस एक्सरसाइज। अब इसमें वो वर्ड्स फिल करने हैं जो इस एक्सरसाइज में हमें आए हैं, इस इंडेक्स में बने हुए। तो देखिए, फर्स्ट देखिए, मिस्टर ब्राउन नेवर ऐड टू हिज कॉफ़ी। मिस्टर ब्राउन अपनी कॉफ़ी में कभी भी क्या ऐड नहीं करते हैं, इसमें आएगा शुगर। मिसेस विलियम्स हैज़ थिक ब्लैक हेयर, मिसेस विलियम के बाल बहुत काले हैं। थर्ड देखिए, मदर बॉट अ बिग जार ऑफ एप्रिकॉट जैम, इसमें आएगा जैम। मिस डेजी हैज़ टू गार्डन, अ रोज गार्डन इन फ्रंट ऑफ अस हाउस एंड किचन गार्डन इन दोज बैक यार्ड, तो इसमें गार्डन्स आएगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है, लेसन भी कंप्लीट हो गया। अब इस लेसन को आपको रीड आउट करना है, इसके हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, जो आपको वर्ड्स लगे कि हार्ड है उन्हें लर्न करना है लिख के, और साथ में ये इसकी एक्सरसाइज करनी है। ओके, तो ये था हमारा वर्क बुक का चैप्टर, चैप्टर नंबर थर्ड, जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिया। टुमारो वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन डू योर वर्क ऑफ दिस चैप्टर एंड सेंड मी। ओके, गुड बाय।